वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से, स्पेशली पोलियो की बात कीजिए तो उसको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए मैं मेहमानों ने ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद होंगे डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर मुनीर अहमद, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। इसके साथ से जनाब हमारे हेल्थ के रिपोर्टर हैं जो कि हैं बिलाल चौधरी, वेलकम टू शो बिलाल, कैसे हैं आप? अच्छा बिलाल, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आऊँगी, फिर डीजी साहब से फर्दर हम इसको कन्फर्मेशन की तरफ भी जाएंगे। तो पंजाब में अगर हेल्थ की और स्पेशली पोलियो की बात की जाए तो इसके केसेस में किस हद तक कमी आई है और सारे मामला ओवरऑल एक हमें सबूत दीजिए। एक हमारा ऐसा केस है जिसके पीछे हम कई मतलब सालों से पीछे हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर एब्सोल्युटली इसको रेडिकेट किया जाए, जिसके वजह से हम अभी भी तक जो है वो कामयाब नहीं हो सके। और कामयाब ना होने की वजह से हम हमारे ऊपर जो है वो सफरी पाबंदियाँ भी हैं, हमें बाहर जाने के लिए पोलियो का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, जो कि बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली बात है। और दूसरा वो ये है कि इसमें अगर हम पंजाब की बात करें और डायरेक्टरेट हेल्थ की बात करें तो पंजाब में फ़िलहाल पोलियो का कोई भी एक केस नहीं है, लेकिन पिछले दिनों इसके जो माहौलियाती नमूने हैं सीवरेज के गंदे पानी से, सिर्फ वो मिले हैं और उसके भी जो है वो टेस्ट करवाए गए तो पॉजिटिव उनके नमूने हैं। और वो जिन लोगों के आए थे उन लोगों का जो ताल्लुक है वो फाटा से है, बलूचिस्तान से है, मतलब पंजाब के बाहर के इलाकों से हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि अभी तक थोड़ी सी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, पोलियो ड्रॉप्स अपने छोटे बच्चों को नहीं दे रहे, तो ये उन लोगों की वजह से हमें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप देख लें, हमारे दो तीन साल पहले हमारे से नीचे अफगानिस्तान और नाइजीरिया थे, अब नाइजीरिया जैसे कंट्री में भी पोलियो वायरस जो है वो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान रह गया। और इनके नीचे जो हर्डल है, जो बैरियर है, वो इसी तरह का ही है कि पोलियो के ड्रॉप्स ना पिलाए जाएं। ये पिलाने से ये मतलब एक मगरबी उनकी साजिश है और हमें हमारे बच्चों को जो है वो अपाहिज कर दिया जाएगा, मतलब इस तरह की उनकी मेंटेलिटी है। और ये एक एनजीओ है बिल गेट्स की जो स्पॉन्सर करते हैं, फिर इसके बाद दूसरी जो एनजीओस हैं उसके साथ मिलकर पंजाब गवर्नमेंट इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। आज भी 21 से 25 तक पंजाब गवर्नमेंट ये जो पोलियो मुहिम है 5 रोज़ा ये स्टार्ट की जा रही है। आप यकीन करें डीजी साहब बैठे हैं कि एक पोलियो मुहिम पर अरबों रुपया खर्च आता है, ये 5 दिन की जो पोलियो मुहिम है, इसमें ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं, फिर आपको यूनियन घर डोर टू डोर जाके आपको मसल पावर यूज़ करनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है, ये बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है। ठीक है बिलाल, मेगा प्रोजेक्ट मैं आपसे भी बात करूंगी। डीजी साहब, जैसे अभी बिलाल ने कहा कि हम कई सालों से इस पोलियो के खिलाफ जो है वो कोशिश भी करें या लड़ने की भी कोशिश करें, हम स्टिल अभी तक कामयाब नहीं हो सके, क्या वजूहत है, आपको क्या लगता है? असल में जो हमारे मुल्क में एक बहुत अरसे तक जो हमारे कुछ इलाके थे, जैसे फाटा का इलाका है, ये एसेसिबल नहीं थे। अगर आप देखें तो सिर्फ 2014 में पाकिस्तान भर में 306 केसेस पोलियो के हुए और उनमें से कोई 180 से ज्यादा सिर्फ एक छोटे से इलाके फाटा में हुए, क्योंकि उस जमाने में वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल था और तालिबान के कंट्रोल की वजह से वो पोलियो की टीमों को वहाँ जाने नहीं देते थे, बल्कि कोई भी वैक्सीन, कोई भी बचाव की वैक्सीन लगाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो 2000 हम लोगों ने काम किया और 2017 में सिर्फ 8 केस हुए और 2018 में 12 केसेस हो गए और हम बहुत करीब हैं पोलियो के, इतने करीब हैं कि इतने करीब इससे पहले कभी नहीं थे। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 3 सालों में एक पोलियो का केस सामने आया, जो रिपोर्ट हुआ कि पोलियो के केस छुपते नहीं है, कहीं ना कहीं से रिपोर्ट हो जाता है, 6 महीने के बाद रिपोर्ट हो, जिसके बच्चे को फालिज होगा वो कहीं ना कहीं जरूर लेके जाएगा और वो रिपोर्ट हो जाएगा। और एक पोलियो का केस हुआ, लेकिन हमारे जो जैसे उन्होंने कहा कि हमारे माहौलियाती नमूने जरूर पॉजिटिव आते हैं। अब जो पोलियो का वायरस है ये इंसान की इंटेस्टाइन में रहता है, वहीं पे नशो नमा पाता है, पलता है, बढ़ता है, और एक दफ़ा जब अब बच्चा या कोई बड़ा जो है वो बाथरूम जाता है तो अरबों की मकदार में ये वायरस जो है वो गटर में सक्रीट हो जाते हैं और वो फिर हम माहौलियाती नमूना लेते हैं गटर से और वो फिर देखते हैं और फिर अब इसकी बहुत एडवांस है, हम उसकी जीनोटाइपिंग करके डीएनए देख के
तो ये बता सकते हैं कि ये कहाँ से आया है। अभी जो रिसेंटली लाहौर में जो गर्दिश कर रहे हैं, ये बेसिकली नंगरहार जो अफगानिस्तान है वहाँ से, नंगरहार से। अच्छा, पहले तो नाइजीरिया और अफगानिस्तान दोनों इस कैटेगरी में आते थे, अब नाइजीरिया भी इसमें से टोटली पोलियो फ्री हो चुका है। जी, नाइजीरिया में पिछले साल कोई पोलियो का केस नहीं आया, लेकिन वो अभी 3 साल तक जेरे मुशाहिदा रहेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, और उसके बाद फिर उनको फिर पोलियो फ्री करार दिया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान में पिछले साल 21 केस आए, ठीक है, और वो अभी ज़्यादातर उन इलाकों में हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं, और वहाँ पे जो अफगान गवर्नमेंट है उसका अमल दरामद है वो बड़ा महदूद है, उनका कंट्रोल उन इलाकों में नहीं है। अच्छा डी साहब, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में भी हम बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, इस पर काम भी हो रहा है, प्रोजेक्ट भी होते हैं, पोलियो मुहिम भी शुरू की जाती है, क्या लगता है लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, क्या वजूहत हैं जो अभी तक हम इस पर प्रॉपरली ओवरकम नहीं कर पाए? पाकिस्तान की हद में तो कुछ लोगों के, खासतौर पर जो हमारा एक इलाका है उसके लोगों के कोई ख़ास कंसर्न है कि जैसे किसी ने कह दिया कि भाई ये हराम है, हालांकि सारी दुनिया के मुसलमान ममालिक इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, यूएई, जितने भी ममालिक हैं, तुर्की, ईरान, सब ने यही पोलियो वैक्सीन पिला के तो पोलियो को ख़त्म किया है। फिर यह है कि जी ये बच्चे कोई खानदानी मनसूबाबंदी का इसके साथ ताल्लुक है, अगर आप देखेंगे 1994 से यह मुहिम शुरू हैं और हमने तो गुज़िश्ता 20 सालों में अपनी आबादी दोगुना कर दी, कोई ऐसी बात होती तो तब भी आ जाता। अच्छा डीजी साहब, इसमें एक चीज़ और थी, उन्होंने मुख्तफ जो हमें हमारे जो डोनर्स हैं जो हमें वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं या फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि अगर 2018-19 तक अगर पोलियो पाकिस्तान से इरेडिकेट एब्सोल्युटली ना हुआ तो हम जितनी भी फंडिंग है, जितनी भी एड्स है, इसको बंद कर देंगे, इसके बारे में क्या है? जी इसमें ये बताओगे जी, जो वैक्सीन खरीदी जाती है ये तो पहले ही ये बड़ी गलत फहमी है कि जी कोई दुनिया इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत थोड़ी। अच्छा, ज़्यादातर पैसे गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान खर्च करती है, मेरा और आपका पैसा है जो पोलियो मुहिम पर खर्च हो रहा है, जो हमें जो डोनर सपोर्ट करते हैं वो बहुत थोड़ी, बहुत ही थोड़ी, और वो भी टेक्निकल सपोर्ट के, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। अच्छा, फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा सपोर्ट, फाइनेंशियली इतनी सपोर्ट नहीं है, और ये बहुत गलत फहमी है हमें कि हमें दुनिया पोलियो पे सपोर्ट करी है, पोलियो हुकूमत पाकिस्तान और सूबे जो हैं वो खर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल, अभी जैसे डॉक्टर साहब, डीजी साहब ने भी कहा कि ये जो पोलियो का जो केस है वो एक रिपोर्ट हुआ, क्या वाकई ऐसे मामला होते हैं? क्योंकि हम जब पोलियो की बात करते हैं बहुत अरसे से मुहिम भी जारी है और इस पर वर्किंग भी हो रही है, इसमें हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज जैसे अभी मेंशन किए गए कि वहाँ पर इस तरह से इफेक्टिव नहीं है सारे मामला, तो जो ओवरऑल पोलियो के केसेस हैं वो किस हद तक कंट्रोल है? देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के वो बुरेवाला का एरिया था जहाँ पे एक वो निकला था, लोधरा में एक केस निकला था, तो उसके बाद ये फिर जब जहाँ पे भी ये केस निकलता है फिर इनकी जानिब से ये आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको स्पेशली उनको जो है वो कॉन्टैक्ट किया जाता है, उन सब जितने भी वहाँ पे बच्चे होते हैं उनको सबको ये जो पोलियो के ड्रॉप्स हैं ये पिलाए जाते हैं। आज भी इसी हवाले से ये जो कैंपेन शुरू की गई है 2019 की, ये पहली कैंपेन है जो आज शुरू की है, 5 रोज़ा ये कैंपेन है, फिर इसके बाद 2 से 3 दिन ये मज़ीद कैचअप डे भी देते हैं। अब इसमें जो इशू है वो ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि पोलियो, अगर खुदा न खास्ता किसी एक ख़ानदान का कोई एक बच्चा रह जाता है, अगर उसमें पोलियो वायरस का केस आ जाए तो हमेशा के लिए सारी ज़िंदगी लिए अपाहिज हो सकता है, एक अपाहिज की ज़िंदगी आपको पता है पूरे ख़ानदान के ऊपर इफेक्ट करती है। इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो हमें जो जिसको कहते हैं तोहमात के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जो एडवांसमेंट हैं मेडिकल के अंदर, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो यही वो चीज़ें हैं पोलियो जिसके हमें बड़ा सिंसियर होकर देखना चाहिए। देखें, ये हमारे मुल्क के ऊपर एक धब्बा है, इतना बुरा धब्बा है कि अब सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह कई दर्जे हम उनसे बेहतर हैं, और हमारे ऊपर ये धब्बा है जी जनाब, ये पोलियो का, हम ट्रेवल नहीं कर सकते, आपको कहीं भी ट्रेवल के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, और हमारे ऊपर ये धब्बा है कि जनाब ये अपने कई सालों से ही अपने अंदर से पोलियो वायरस ही खत्म नहीं कर सकते। दुनिया इस पे जितनी भी हेल्प हमारी कर तो रही है ना, हमें डोनेट कर रही है, हमें टेक्निकल सपोर्ट फ्राहम कर रही है, कर तो रही है, लेकिन इसमें चीज़ ये था कि हमारे फिर वही बात आती है कि पंजाब और सिंध में सिर्फ एक केस आया था 2018 में,
کہ پیکی میں لاسٹ ایئر جو ہے وہ 2018 میں 8 کیسز آئے اور سب سے زیادہ پھر وہی کے پی کی اور فاٹا میں یہ کیسز موسٹلی آ رہے ہیں اور اس کے اندر بھی جو پریشر گروپس ہیں جو نہیں سمجھتے مطلب کہ ہم اپنے بچوں کو بلائیں بیسیکلی ہمارے اوپر یہ جو ہے کمیونٹی یہ پرٹیکولر کمیونٹی ہے اسی کا ہمارے اوپر افیکٹ ہے اور اسی کی وجہ سے اس کے انفلوئنس کی وجہ سے ہمارا یہ پورا پاکستان جو ہے یہ سفر کر رہا ہے پولیو کی وجہ سے لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ 2019 ہمارا ایک مشن ہو ہمارا ایم ہو اور ہم اس کو 2019 تک اس کو ختم کریں اور سب سے اہم جو چیز ہے جو ہمارے اوپر جو پابندی لگی ہے سفری پابندی وہ ختم ہونی چاہیے آپ یقین کریں جب بھی کسی کو باہر کے جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہی ہوتا ہے اچھا پولیو سرٹیفکیٹ بنانا ہے سرٹیفکیٹ بنوایا جائے اس سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے پھر مختلف ہاسپٹلز میں جانا پڑتا ہے مختلف لوگوں کی منت سماجت بھی کرنا پڑتی ہے چلو یار پولیو وائرس ہی دینے ہر کام میں تو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے تو یہ ایک ایشو ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی بلال آپ سے تم بات کر رہے ڈاکٹر صاحب سوائن فلو بھی ان کی ڈومین میں ہی آئے گا اس کے دو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے کیا ہے جی بالکل یہ ہمارا فلو کا سیزن ہے تو پچھلے سال تو بہت ایک بڑی آؤٹ بریک آئی تھی خاص طور پہ ملتان کھانے وال لودرا اور مظفرگڑھ میں اور لاہور میں دو تین کیسز ہوئے تھے لیکن وہ زیادہ تر امپورٹڈ ہی تھے دو لوگ توبرا کر کے آئے تھے وہاں سے سوائن فلو لائے ایک انڈیجینیس تھا تو اس سال بھی یہ سوائن فلو کے کیسز ہوئے ہیں اس دفعہ راول پنڈی میں ہمارے پاس 4-5 کیسز ہوں گے لاہور میں ہوئے ہیں ملتان میں ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے جو میئرز ہیں کاؤنٹر میئرز وہ ریڈی ہیں ویکسین اویلیبل ہے اچھا اہم چیز ہے اس دفعہ ہم نے مطلب آؤٹ بریک پہ تو کافی حد تک کنٹرول ہم نے کر لیا سوائن فلو کا صرف دو کیس میں نے بھی رپورٹ کیے تھے اور لیکن ہمارے پاس جو ایک بڑا اہم فیکٹر ہے وہ ایڈس اور ہیپاٹائٹس جو کہ ڈومین میں بھی آتا ہے ہیپاٹائٹس کو ابھی بھی ہم جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے پہلے ہر 8th فرد تھا اب ایک اسٹیپ اوپر ہو گیا اب 7th جو ہے وہ ہو گیا پھر اس کے ساتھ ایڈس بڑی خوفناک حد تک اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو کس طرح لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے اس کو کس طرح ہم جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کی پریکاشنس کیا ہیں مزید ایڈس کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں ایڈس کو دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا دونوں میں نا جو ہیپاٹائٹس ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی اور اس کے علاوہ ایڈس کا جو پھیلاؤ کا طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے دونوں ہی نیڈل پرک سے پھیلتے ہیں ہاں جی اور ایک ہی طریقے سے پھیلتے ہیں ہاں جی تو اس میں جو لوگوں کو اویئر کرنے کا ہے اویئرنیس ہی بڑا کام ہے اچھا ایک اور سوال چونکہ مجھے بریک لینی ہے ڈینگی کے حوالے سے کیا اقدامات جاری ہیں جی ڈینگی کا تو آج کل بالکل لو سیزن ہے اور اگر آپ نے دیکھا کیونکہ آپ بھی آنے والے وقت میں بھی پریپیئرڈ ہوں آنے والے وقت میں یہ 15 مارچ سے آن ورڈ جو ہے پھر اس کا ڈر رہے گا ہمیں اور لاہور میں نہیں اس بار اس کا ڈر جو ہے جو اس کا رسک ہے وہ راول پنڈی میں زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم راول پنڈی میں آپ دیکھیں گے کہ اگلے مہینے کے شروع میں ہمارے میئرز اس کے اوپر ٹریننگ جو ہیں وہ آج کل ہو رہی ہیں ڈینگی کے لوگوں کی آج کل ٹریننگ ہو رہی ہیں اگلے مہینے میں ہم جو اپنے انسٹرومنٹس ہیں ان کی ریپیئر مینٹیننس مکمل کر لی جائے گی اور بائی مارچ ہم اپنے ایکشن کے لیے تیار ٹھیک ہو گئے بس مجھے بریک لینی ہے تھینک یو بلال تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ ڈی صاحب آپ کا بھی جناب ہم نے کوشش کی کہ جتنے سوال ہیں اور ڈینگی کے حوالے سے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ایڈس کے حوالے سے جتنی بھی تفصیلات ہم لے سکتے تھے آپ کو اویئر کیا ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد ہمیں اور بھی مہمان جوائن کرنے والے ہیں آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور